आजादी के दिन पूरे देश में जो जनतंत्र का खुले कतलेआम हो रहा है त्रिपुरा और बंगाल के अंदर, इसके विरोध में पूरे देश भर में आज एक विरोध प्रकट हो रहा है, जिसका हिस्सा आज ये धरना है दिल्ली के अंदर। आखिरकार ये विरोध हो क्यों रहा? अभी आपने सुना जिस तरीके से बंगाल और त्रिपुरा में खासतौर पर और पूरे देश के अंदर एक किस्म की आतंक और हिंसा की राजनीति आज चलाया जा रहा है, जो आज हुकूमत है उस हुकूमत के प्रोत्साहन से, उस हुकूमत के आशीर्वाद से आज पूरे देश भर में बेगुने जानों के ऊपर हत्या हो रही, बेगुने जानों के ऊपर हमला हो रहा है और उनकी हत्या हो रही। अभी आपने देखा राजस्थान में अलवर में अकबर खान को जिस तरीके से मार दिया गया एक इल्जाम लगा के, कानून खुद अपने हाथ में ले रहे हैं इस तरीके के प्राइवेट आर्मियां। पहलू खान को मारा था अप्रैल में इसी राजस्थान इसी अलवर में इसी बहाने से, और अब अकबर खान, इन दोनों के बीच में 46 हमारे देश के निर्दोष मुसलमान और दलित, उनकी जान ले ली गई 12 राज्यों में और ज्यादातर ऐसे राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकारें हैं। बिना सरकार के प्रोत्साहन के ये नामुमकिन है। हाल में जो चर्चा हुई लोकसभा के अंदर, उस चर्चा के अंदर सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री कुछ घोषणा करेंगे, नया कानून ले आएंगे इस तरीके की हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन इसके बारे में एक शब्द नहीं, एक निंदा नहीं कि बेगुनाह जान गई। और यही है प्रोत्साहन, इसी प्रोत्साहन के चलते हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और मजबूत करते हुए अपने चुनावी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए आरएसएस बीजेपी देश के अंदर इस आतंक और हिंसा की राजनीति फैला रही है। इसी संदर्भ में चुना क्यों गया बंगाल और त्रिपुरा को? चुना इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं ये पंच पांडव, पांच जो वामपंथी पार्टियां, ये है उनके लिए सबसे बड़े खतरा, क्योंकि सिद्धांतिक रूप से, विचारधारा के रूप से, जनता को आंदोलन में उतारने की रूप से आज कोई खतरा है इन सांप्रदायिक ताकतों को, वो वामपंथी ताकते हैं और इसलिए उनको निशाना बनाया गया। त्रिपुरा के अंदर चुनाव में हारने के बाद, चुनाव तो होते हैं, कोई जीतता कोई हारता, जनतांत्रिक व्यवस्था है देश में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके हिंसा और आतंक फैलाया वहां पे, जिस तरीके से जानलेवे हमले किए, जिस तरीके से हमारे कॉर्पोरेटों के घरों पे, उन घरों पे हमला किए, जिस तरीके से दफ्तरों पे हमला किए, जिस तरह से कोई कामकाज ना हो जनता से कटवा दे वामपंथी पार्टियों को, ये उनकी पूरी की पूरी कोशिश है। और यहाँ पर इस तरीके की हिंसा की राजनीति जो फैल रही है वो ना सिर्फ गैर जनतांत्रिक है, हमारे संविधान की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ ही है, और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो एक तानाशाही की ओर हमारे देश को फिर से जाना पड़ेगा, और जिसको अभी अगर नहीं रोक पाएंगे तो पूरे मुल्क में इस तरीके की कचरा बढ़ने की परिस्थिति उभरेगी। बंगाल में आज तक 200 से ज्यादा हमारे कॉमरेडों की हत्या हुई है वाम मोर्चे की, दिल्ली तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और ये हमले यहाँ तक पहुंच गए कि अभी जो चुनाव हुए हैं आपके पंचायतों की, इस नगर पालिकाओं की, उस चुनावों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को खुद बयान देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को खुद वहां पे अभी चल रही है केस, याचिका अभी लगी हुई है, 6 अगस्त के बारे में और सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जनतंत्र की हत्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पर जोर जबरदस्ती हिंसा के आधार पर, आप अराजकता के आधार पर वहां पर चुनाव जीतने की पूरी कोशिश, चुनाव जीतने की बात नहीं, वहां पर जीते हुए पदों को कब्जा करने की पूरी कोशिश चल रही है। तो आज वहां पे भाजपा और तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में मशहूर है एक नारा, वो कहते हैं दीदी भाई मोदी भाई, ये दोनों मिलकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस वहां पर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने की एक प्रतियोगिता चल रही है दोनों के बीच में। और ये प्रतियोगिता के चलते हुए आज एक तरफ से सांप्रदायिकता, दूसरे तरफ से कट्टरपंथी, इन दोनों को बढ़ावा मिल रहा है, और जितना एक बढ़ता है उतना दूसरे को वो मदद करता है। इस तरीके की
प्रतियोगिता जो चल रही है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, इसके चलते हुए आज वहां पर बंगाल के अंदर ये हिंसा की वातावरण और तेजी के साथ बढ़ी है। तो आज ये विरोध इसलिए हो रहा है, ये विरोध इसलिए हो रहा है, आंकड़े आप सबको दिए गए हैं, जो पर्चे जो बांटे गए हैं, कितने लोग मारे गए, कितने घरों को ध्वस्त किया गया, कितने दुकानों को ध्वस्त किया गया, जो कॉमरेड लोग जो चला रहे थे। लेकिन इस हिंसा के वातावरण, इस हिंसा के वातावरण की जो करवाए किस लिए जा रहा है, करवाए इसलिए कि आज वामपंथी ताकतों को कमजोर करना वो उनके लिए जरूरी है। वो खुद मानते हैं आरएसएस भाजपा, बाकी दलों में से वो उनके साथ समझौता कर लेंगे, धमकी देकर झुका देंगे, या उनके लोगों को अपनी ही पार्टी के अंदर आकर्षित करेंगे हर किस्म की तरीका इस्तेमाल करके। और पैसे की कोई कमी नहीं है, हम सब जानते हैं। तो उनको फिक्र उनकी पार्टियों से नहीं, फिक्र है वामपंथियों से, फिक्र है लाल झंडे से, क्योंकि ये है उनका मुकाबला जो करेगा सैद्धांतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से, और जनता को आंदोलन में उतार कर आज ये शपथ सिर्फ वामपंथी पार्टियां सबसे मजबूत तरीके से लेते हैं कि इस देश में जनतांत्रिक व्यवस्था, इस संवैधानिक व्यवस्था को बचाते हुए आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण हम करेंगे, ये लाल झंडा करेगा। और ये लाल झंडे के आधार पर कि आज इस व्यवस्था को बचाना है, अगर बचाना है तो ये हिंसा की राजनीति जो चल रही है त्रिपुरा और आपके बंगाल के अंदर, इसके विरोध में पूरी देश भर में इस विरोध को और मजबूत करने की जरूरत है। तो आज ये जो बहस जो लोकसभा में हुई उसके बाद ये प्रचार चल रहा है कि इस सरकार को कोई हटा नहीं सकता। हमने पहले ही कहा था आपको, पांच पांडव यहाँ पे बैठे हुए, पांच लेफ्ट के पार्टियां, महाभारत का युद्ध होता है, आप वो युद्ध में कौरव के 100 भाई थे, यहाँ पे 5 है, और जीत किसका हुआ, जिस 5 का हुआ उस 100 को हराते हुए, और उस 100 भाइयों में, उस 100 भाइयों के अंदर कितने नाम याद है आपको बताइए, 100 में से कितने लोगों के नाम याद है, सिर्फ 2, दुर्योधन और दुशासन, और किसी का नाम याद है किसी को? आज इसी कौरव की सेना जो है आज भाजपा का आरएसएस का, इस सेना में कितने लोगों का नाम याद है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बस ये दो ही तो है। और ये दोनों को ये पंच पांडव मिलाकर महाभारत की युद्ध वगैरह 18 दिन चली, तो कितने भी लंबी चली ये राजनीतिक युद्ध में ये पंच पांडव और इस लाल झंडे की जीत होगी। और आज समय आ गया, आज समय आ गया कि देश के लोगों को लामबंद करते हुए इस जीत को हासिल करने के लिए। और ये भी समय आ गया, जो प्रधानमंत्री अपने आप को देश के चौकीदार बोलते हैं, इस चौकीदार से आखिर में मैं आपको एक ही बात बता दूं, मेरी मातृभाषा तेलुगु के अंदर एक छोटी सी कहानी चौकीदार के बारे में। एक चौकीदार ऐसा था कि रोज हर दिन सुबह वो अपने मालिक के पास जाकर कि रात को सपने में उन्होंने चौकीदार ने क्या देखा वो सपना सुनाकर दिल बहलाता था मालिक को। तो मालिक की दिल बहलती थी और वो हंसता था, और ये सिलसिला चला कुछ दिन। एक दिन जब चौकीदार गया और मालिक को बोलने लगा, मालिक जी कल रात को सपने में मैं ये देखा, बोलने लगा, तो मालिक ने कहा कि भाई तेरे सपने सुनते रहे अच्छा भी लगा मैं, लेकिन तेरे को नौकरी से बर्खास्त कर रहा हूँ। तो चौकीदार कहता ये क्या बात है, आपको दिल बहला रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, हर दिन मैं कुछ नई नई बातें कहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं हमको हर दिन एक नया नारा, एक नया जुमला, तो आप हमें नौकरी से क्यों हटा रहे हो? चौकीदारी का काम है, चौकीदारी रात को हिफाजत करना, रात को सोकर सपना नहीं देखना, ना लोगों को सपना दिखाना। आज मोदी साहब का चौकीदार है तो इस प्रकार के चौकीदार है, जैसे उस कहानी में चौकीदार की नौकरी से उनको छुट्टी करवाई, आज देश की जनता अपने चौकीदारी से इनको छुट्टी करवाने का समय आ गया, वरना इस देश को हम नहीं बचा पाएंगे। इस देश को बचाकर एक बेहतर भारत को बनाना है आने वाले दिनों में, जन संघर्षों को तेज करते हुए ये हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए आप सबको जो आज इस विरोध प्रदर्शन में, विरोध धरना में यहाँ पे शामिल हुए,
आप सबको लाल सलाम कहते हुए और सैकड़ों सैकड़ों लोग जो पूरे देश भर में आज इस विरोध के अंदर शामिल है, हर जगह पर, हर प्रदेश के अंदर, उन सबको वामपंथी पार्टियों की तरफ से, मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से लाल सलाम कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।